सुरजीत के साथ ही इतने साल से काम किए रहे और आप उनके जैसे बोल सकते एक शिष्य की तरह थे। सुरजीत साहब की ये खासियत थी कि वो चीजों को जोड़ के चलते थे, लोगों को जोड़ के चलते थे। लेकिन प्रकाश करात की नीति है अकेला चलो, कि मैंने ये डिसाइड कर लिया और देयरफॉर ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करना, अब आप लोग सब इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे मैं पहले भी बता रहा था, पार्टी के अंदर सामूहिक तरीके से ही चलती है। हाँ, ये जाता है कि प्रकाश कारत एक तो इंसुलेटेड है, ही इज अ वेरी वेरी इंट्रोवर्ट, वो अपने आप में रहते हैं। दूसरी चीज वो लोगों के साथ उनका मिलना जुलना बहुत कम है, तो इसलिए वो उनका वर्ल्ड व्यू एक अपने ही वर्ल्ड व्यू से वो चलते हैं, उससे नहीं अलग चलते। वो भी है, वो एक कलेक्टिवली कमेटी के अंदर ही तो डिसाइड होनी है। देखिए, लेकिन फिर भी कलेक्टिव कमेटी के अंदर डिसाइड डिसीजन जरूर होता है, लेकिन ऑब्वियसली महासचिव जो है उसके बात का को ज्यादा वेट दिया जाएगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, लेकिन ये भी बात है कि जो भी डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी आगे बढ़कर उन्हीं को करना होता है। कहते हैं कि बीच में ऐसा भी हो गया था कि उन वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगे थे तो शायद मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, ऐसी सोच सीपीएम में आई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आपको कह रहा था, हमारे इतिहास को याद करिए, पहले भी एक बार हमने ना कहा, इस वक्त तो इस तरीके की सवाल पैदा ही नहीं होते। प्रकाश कारत लास्ट तक ये कहते रहे कि थर्ड फ्रंट की सरकार बन रही, जबकि वस्तु स्थिति अलग थी, तो किस बेसिस पे वो कह रहे थे? मतलब उनका आंकड़ा क्यों बार बार इस तरीके से हो रहा? देखिए, राजनीति में जब आप मैदान के अंदर होते हैं, लड़ाई के राजनीतिक जंग में, अब ये थोड़ी ना कोई कहता है कि जनरल कोई कहता है कि ना ये लड़ाई हम हारने वाले, लड़ाई में जंगे मैदान में है तो हम यही कहेंगे कि हमारा मकसद है इसको जीतना, तो उसको आगे ले जाना है। नहीं, आपके बयान जो थे वो हमेशा थोड़ा सा ओपन कि अगर कभी ऐसी स्थिति आई तो देखेंगे, अगर कांग्रेस को सपोर्ट करने की स्थिति आई या एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने की फिर से स्थिति आई और हमारी जरूरत पड़ी तो देखेंगे, आपके इस तरीके के बयान आते थे, लेकिन एक रिजिड टू द फ्रेम बयान नहीं आ रहे थे जो कि प्रकाश करात के बयान आते थे। नहीं, नहीं, ऐसी कोई पता बताइए, ये तो आप इसके अंदर मैं समझता हूँ आपका भी बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं। लेकिन बात जरूरी है, पार्टी का ही निर्णय था कि चुनाव के अंदर हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहेगी एक वैकल्पिक सरकार बने। अगर वो वैकल्पिक सरकार बनने की परिस्थिति नहीं आएगी, बाद में क्या होगा, समर्थन दे या ना दे सेक्युलर सरकार के लिए, इन सब के बारे में हम चुनाव के बाद निर्णय लेंगे सिचुएशन को देखकर। अच्छा, आप दोनों लीडर्स के साथ काम किए हैं, हरकिशन सिंह सुरजीत जी के साथ भी और प्रकाश कारात के साथ भी, ये बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस आप पाते हैं, क्योंकि आपका खुद का एक राजनीतिक सफर रहा है और जिसमें आप दोनों के साथ काम किए हैं। अरे, प्रकाश कारात और हम तकरीबन एक ही पीढ़ी से आते हैं और हमसे 6 पीढ़ियों पुराने मतलब जमाने से कॉमरेड सुरजीत आते हैं। अनुभव तो उनका कई गुना ज्यादा है ना, मतलब कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा, मतलब वो अनुभव अलग है, ये अलग है। नहीं, कंपेयर इसलिए क्योंकि आज के परिदृश्य में एक अहम भूमिका आपकी रहेगी सीपीएम के लिए। हम सबकी रहेगी, हम मानते हैं इसकी कि हमारी सबकी रहेगी। पर आपकी खुद की कोई ऐसी चाह कि हाँ मैं महासचिव बनूं, ऐसा कुछ ना? एक बात तो आप याद रख दीजिए, आज तक जो भी पद में हम आए ये इस वजह से नहीं आए कि वो पद हम चाहते थे, और मेरा ये मानना है, ये स्वाभाविक मानना है, जो नहीं चाहता उसी को पद मिलेंगे। लेकिन समाज यहाँ पर हमारी एक सोशल एम्बिशन है कि समाज को बदलना, पर्सनल एम्बिशन कुछ नहीं। अच्छा, आपको पर्सनली एक मध्यमार्गी बोला जाता है कि सीपीएम के अंदर ऐसे हैं जो कि हर किसी से बना के चलना और हर किसी के साथ बैलेंस करके चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप को सीपीएम में कुछ अलग थलग देखते हैं क्या? नहीं, कि कहीं मैं गलत कल्चर में, गलत पार्टी के कल्चर में तो नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी का डीएनए कुछ और कहता है और मैं जिस पार्टी में उसका डीएनए कुछ और कहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो सुन समझ के एक, क्योंकि वहाँ पर रिजिडिटी दिखती है, आप में वो बिल्कुल नहीं दिखती है। अब ये मतलब इस सवाल का जवाब मतलब हम नहीं देते, लेकिन हम ये तो जरूर कह सकते हैं, हम आए एक विचारधारा के आधार पर, हम आए एक, जैसे पहले भी मैं कहा था, एक सोशल एम्बिशन के आधार पर समाज को बदलने के लिए, और अगर ये काम करना है बिना जनता और बिना जनसंपर्क के ये होगा नहीं, और हंसने में कोई खर्चा नहीं होता,
तो इसलिए आप अल्लाह लोगों के साथ संपर्क रखते थे। आपकी जैसे नेटवर्किंग आपके लोगों के हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा वन ऑन वन है। आप रिश्तों को मेंटेन करते हैं। आप सिर्फ अपने में अकेले अकला चलो में विश्वास नहीं रखते। ये सारी चीजें तो आपको कोट एंड कोट कांग्रेसी कल्चर का लोग कहते हैं। कांग्रेसी कल्चर सोच हर किसी से मिला के चला के बना के चलो। वही तो मैं कह रहा ना, मिलने में और हंसने में क्या प्रॉब्लम क्या है? जब तक विचारधारा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, जब तक राजनीति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, तब तक कि आपके हाल चाल में मिलना जुलना में मतलब उसके अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इन चीजों के अंदर ये तो मतलब कह दे कि जहां तक राजनीति और विचारधारा है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगी। तो इसलिए कांग्रेस कल्चर का ब्रैकेट में तो नहीं आएगी हम। ये बेशक अलग बात है, अगर लोगों के साथ बात करना या उनके साथ रखना, ये कोई एक ऐसी मकसद से नहीं होता। ये व्यवहार से हो सकता है, लेकिन विचारधारा और उद्देश्य और राजनीति के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकती। अगले 5 सालों में सीपीएम किस तरीके की पार्टी बन के उभरेगी? लेफ्ट टू द सेंटर, राइट टू द सेंटर, सेंटर टू द सेंटर, लेफ्ट, नो सेंटर, नो सेंटर, लेफ्ट है, लेफ्ट पार्टी रहेगी। और हम समझते हैं कि इस अनुभव के आधार पर काफी दुरुस्तीकरण होगी और काफी मजबूती के साथ हम उभरेंगे। थैंक यू सो मच। ये थे सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो मेंबर सीताराम येचुरी। अगले हफ्ते किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलेंगे आमने सामने में। तब तक के लिए नमस्कार। To watch more, log on to www.news24online.com.